फेस से हमारे उम्र का पता चले, लेकिन 30 इयर्स के बाद हमारे स्किन में बहुत ज्यादा एजिंग के साइन दिखने लगते हैं, जैसे हमारे आईज के नीचे लाइंस आ जाते हैं, फिर हमारे क्रोस फीट आ जाते हैं, हमारे लफ लाइंस आ जाते हैं, फिर हमारे फोरहेड में भी बहुत ज्यादा रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 30 के बाद हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, हमारे स्किन में कोलाजिन कम हो जाते हैं, हमारे जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस होती है वो भी कम हो जाती है। जब भी सेल रिन्यूअल प्रोसेस डिले हो जाती है तब भी हमारे स्किन में लाइंस आना स्टार्ट हो जाती है। जब भी हमारी एज 30 क्रॉस कर जाती है तब भी हमारे स्किन में ये जो रिंकल्स आना, लफ लाइंस आना, हमारे क्रोस फीट आना, हमारा स्किन सैगिंग हो जाना, स्किन के साथ ये होना ही है, ये आएंगे, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको डिले कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कैसे हम लोग इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और किस कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, उसी की सोल्यूशन लेके आज मैं आ गई। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं पंपा आज आ गई सैटर्न बाय जीएससी की एंटी एजिंग कॉम्बो पैक लेके। इसके साथ है एक एंटी एजिंग सीरम और उसके साथ है एक जेड रोलर और उसके साथ है ये गोआशा स्टोन। बहुत ही अच्छा एक नाइस पैकेजिंग में ये मुझे मिला है। सैटर्न की ये एंटी एजिंग सीरम हमारे स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है रेटिनोल, हाइलुरोनिक एसिड, आर्जिनाइन, नियासिनामाइड एंड विटामिन सी। रेटिनोल हमारे स्किन में कोलाजिन प्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन में वाटर कंटेंट को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हमारे स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहते हैं, हाइड्रेट रहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट होती है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए, ये रिंकल्स को रिड्यूस भी करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को आने से रोकता भी है। आर्जिनाइन हमारे स्किन में एंटी एजिंग के इफेक्ट्स देते हैं और उसके साथ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के साइन को भी कम करते हैं, स्किन को फर्म करती है और हाइड्रेट करके रखती है। नियासिनामाइड हमारे स्किन में कोलाजिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, एनलार्ज पोर्स को भी मिनिमाइज करते हैं। विटामिन सी हमारे स्किन में कोलाजिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हमारे स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स के जो साइन है उसको कम करते हैं और सन डैमेज से भी हमारे स्किन को रिपेयर करते हैं और उसके साथ साथ हमारे स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं। एंटी एजिंग सीरम को प्रॉपरली हम लोग जेड रोलर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, तो और इस सीरम को प्रॉपरली यूज करके हमारे जो एजिंग के साइन है, हमारे जो स्किन में रिंकल्स के प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको कैसे डिले कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो है हमारे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना। तो फेस को क्लीन करने के बाद फेस सीरम को अप्लाई करेंगे ड्रॉप ड्रॉप करके और उसके बाद बहुत अच्छे से पूरे फेस में जेंटली इसको अप्लाई कर देनी है, जैसे आईज के एरिया, माउथ के एरिया, फोरहेड में अपवर्ड मोशन में इसको पूरे अप्लाई करनी है। उसके बाद आते हैं जो इसके साथ मुझे मिला है जेड रोलर, ये जेड रोलर के थ्रू हमें अपवर्ड डायरेक्शन में 5 to 6 टाइम्स ऐसे ही आपको मसाज करनी है। ये जेड रोलर हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे कि हमारे स्किन ग्लोइंग दिखते हैं, ये हमारे स्किन में इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। सीरम अप्लाई करने के बाद जेड रोलर से अगर आप लोग ऐसे ही मसाज करेंगे तो आपके स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएंगे, आपके फाइन लाइंस कम हो जाएंगे, आपके जॉ लाइन भी प्रोमिनेंट दिखेंगे। नेक एरिया में भी आपको अप्लाई करनी है क्योंकि नेक एरिया में भी सैगिंग होती है। और ये है गोआशा, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज में मदद करती है। जब भी हमारे स्किन से लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाती है तब हमारे स्किन से टॉक्सिन रिलीज हो जाती है, तब हमारी स्किन हेल्दी लगती है और ये फाइट करती है एक्ने स्कार में और ये रिड्यूस करती है पफिनेस को। तो आप लोग देख पा रहे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग दिख रही है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो मिलती हूँ बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट करके मेरे साथ रहिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना भी मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलती हूँ के लिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।